अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे सब ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को जो है अपना छोटा सा सेटअप दिखाऊंगा, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से बर्ड्स लगे हुए हैं और कौन कौन सा सेटअप है। तो स्टार्ट करते हैं बजरी तोतों से। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर वाला पिंजरा जो है मेरा खाली है, क्योंकि अभी इधर जो है बर्ड्स कोई लगाया नहीं है। और माशाल्लाह से जो है नीचे जो हैं बजरी के कुछ बच्चे आए हुए हैं और कुछ उस मटकी में हैं, मतलब अभी है चूहे। और इसमें जो हैं अंडे हैं और इसमें भी जो हैं बच्चे हैं, आई थिंक चार बच्चे इसमें हैं। और माशाल्लाह से देखिए तीन बच्चे जो है, ये देखिए तीन बच्चे जो हैं इसमें निकले हुए हैं। और ये वाली फीमेल है और इसके अंदर आई थिंक वो जो वो मटकी के ऊपर जो बैठा हुआ है वो मेल है, उसने दोनों ब्लैक आई हैं। और माशाल्लाह से देखें तीन रेड आई बच्चे निकालें और एक और उसके अंदर रेड आई बच्चा है। और अब मैं दूसरे बजरियों की आपकी वीडियो दिखाता हूँ बजरी की। ये मेरा एक रैम्बो का पेयर है, ये अभी मैंने लगाया है, अभी इसने अंडे नहीं दिए हैं। और इसने जो है बच्चे दिए हैं, लेकिन इस बार इसने प्लकिंग करी है, वरना कभी भी ये पेयर मेरा प्लकिंग नहीं करता। तो देखें इसके दो बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, एक बच्चा ये रहा और एक बच्चा ये रहा, मतलब टोटल चार बच्चे ये हैं और एक मटकी के अंदर है। तो टोटल पांच बच्चे इसने दिए हैं। और लवबर्ड जैसे ये रहा मेरा लवबर्ड है, तो इसने चार बच्चे, ग्रीन फिशर ने चार बच्चे दिए हैं। और जावा के कुछ बच्चे ये रहे, जिसमें से दो सिल्वर हैं और दो ग्रे हैं और एक ग्रे का बड़ा मेल है। वो वाइट वाली जो है उसका थोड़ी सी टांग ख़राब है, तो वो इसलिए ऐसे बस इसके साथ छोड़ी हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पेस्टलिनो ने जो है बच्चे दिए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि माशाल्लाह से पेस्टलिनो ने बच्चे दिए। थोड़ा सा मोबाइल आगे पीछे करना पड़ेगा तो वीडियो आगे पीछे होगी, तो आप लोग थोड़ा सा जो है कोऑपरेट करिएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से पांच बच्चे जो है चार बच्चे जो है पेस्टलिनो ने दिए और ग्रीन फिशर ने अभी कुछ भी नहीं दिया है। तो एक ही खाने में मैंने दो ग्रीन फिशर लगाए हैं, क्योंकि ये आपस में लड़ भी रहे थे, तो मैंने इसलिए इनको इसमें लगा दिया। ये पेस्टलिनो से लड़ रहा था, तो मैंने इन दोनों को बीच में पार्टीशन लगा के और इनको इधर छोड़ दिया। और माशाल्लाह से ये जावा है मेरी, ये जावा भी अभी देखें अंडे वंडे कुछ भी नहीं दिए हैं, कुछ दिए थे कुछ मौसम की वजह से ख़राब होगा, क्योंकि बीच में जो है कराची में हवा बहुत तेज़ चलने लग गई है, तो इसकी वजह से इन लोगों ने अंडे ख़राब कर दिए थे। तो दोबारा से मैंने जो है इनको नेस्टिंग दिए और कॉर्न डाला था इनको, और एक ये बच्चा दिया हुआ है, लेकिन ये बच्चा जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इंशाल्लाह ये भी सेट हो जाएगा। बाकी ये जावा के कुछ पेड़ लगाए हुए मैंने। अच्छा, इनमें जो है ना जावा, इनमें से ग्रे और वाइट में से एक मेरे को जावा जो है ना फ़ोन का बच्चा भी निकालते के देती है और ओपल भी देती है। तो ये आज की इधर अंदर की सेटअप की ये वीडियो है, अभी छोटा सा है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है ये बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको और भी बजरी तोते हैं मेरे पास, वो भी मैं दिखाता हूँ मैंने किधर लगाए हैं। तो मैं अब आपको बाहर लेके चलता हूँ और मैं ये आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक नया सेटअप लगवाया है। तो ये देखें ये इतने सारे बजरी तोते जो है मेरे ये इधर बैठे हुए हैं। कल मैंने इन लोगों को मटकियाँ दे दी थी, तो बहुत सारी आई थिंक 22 मटकियाँ लगाई हैं। और इसमें जो है पेयर्स फीमेल थोड़ी कम है, मेल जो है ज़्यादा हैं। तो अब जैसे ही इनकी प्रोग्रेस आएगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें आप देख सकते हैं, जैसी भी कोई प्रोग्रेस आएगी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।